पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के संसदीय फंड से मंडावली के तालाब चौक पर हेडगेवार पार्क का डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। गौतम गंभीर ने हेडगेवार पार्क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर पहुंचे गंभीर का स्थानीय बीजेपी नेताओं ने स्वागत भी किया। गौतम गंभीर ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ की लागत से हेडगेवार पार्क के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। पहले फेज में 1 वाटर बॉडी, बच्चों के लिए झूले, 2 गार्डन हट, 1 पार्टीशन पार्क, 40 बेंच, 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट और 1 STP प्लांट तैयार किया जाएगा। दूसरे फेज में 2 सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट, 2 सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, वाटर स्प्रिंकल सिस्टम और बच्चों के लिए साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा कि हेडगेवार पार्क के डेवलपमेंट का काम तेजी से किया जा रहा है। इसे पार्क को कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस पार्क में बच्चे रात में खेल सकते हैं। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद शशि चांदना ने बताया कि मंडावली इलाके में बच्चों के खेलने के लिए और लोग टहलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब गौतम गंभीर के प्रयास से हेडगेवार पार्क को डेवलप किया जा रहा है। इस पार्क में बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के लिए पार्क, झूले, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। ये जो पूरा पार्क है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जहाँ पर एक हिस्से में पॉन्ड बनेगा पूर्वांचल के लोगों के लिए, एक हिस्से में उसका सौंदर्यीकरण होगा जहाँ पर बुजुर्ग आके यहाँ पर बैठ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्यूटिफिकेशन होगा। एक हिस्से में 4 बैडमिंटन कोर्ट जो सिंथेटिक होंगे, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पर लाइट्स लगेंगे, रात भर आके बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। एक में यहाँ पर बच्चों के लिए स्विंग्स बनेंगे, साइकिल ट्रैक बनेगा, वॉकिंग ट्रैक बनेगा, STP प्लांट लगेगा। ये जो पहला फेज़ है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इस महीने में जो सेकंड फेज़ है वो शुरुआत होगी, तो 2-3 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप 1 महीने बाद आके जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके का पार्क डेवलप किया है। हमने झूठ नहीं बोला, 7 साल पहले आके यहाँ पर हमने सिर्फ नारियल नहीं फोड़ा। नारियल फोड़ने से काम नहीं होते, काम करने से काम होते हैं। मैं नारियल फोड़ने नहीं आता, मैं काम करने आता हूँ। ये मेरा 3री बार आना हुआ है मंडावली में। पहली बार आया था योगी जी की जब सभा थी मेरी चुनाव में, उसके बाद आया था रामलीला में, तब ये प्रॉमिस करके गया था कि अगली बार जब आऊँगा तो कुछ दे के जाऊँगा, बेहतर करके जाऊँगा। जब इसके बाद आऊँगा ना तो आप सबको बुलाऊँगा और दिखाऊँगा कि काम किस तरीके से होते हैं। 850 ठेके खोल के नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को ये बोलिए कि अपने परिवार के किसी सदस्य को कर्मचारी बनाइए। 13,000 करोड़ सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगतती है तो वो EDMC भुगतती है, ठीक है। हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। जो 13,000 करोड़ से अपनी राजनीति चमकाते हैं ना, जो अपनी शक्लें दिखाते हैं पूरी दिल्ली में, अपने परिवार में से किसी को अगर कर्मचारी बनाएं और उसकी तनख्वाह ना मिले ना, फिर बात करेंगे। और जहाँ तक कि डर की बात है ना, वक्त भी वो चुन लें, जगह भी वो चुन लें। लड़ाई के लिए भाजपा हमेशा रेडी है, कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। जब मन करे लड़ाई लड़ने, कम से कम कर्मचारियों के पैसे तक के लिए तो रिलीज़ कर दीजिए। 13,000 करोड़ उस गरीब की मेहनत की कमाई, अपनी राजनीति मत चमकाइए। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फंड सारी MCDs को मिलेगा और फिर काम कर पाएंगे। पिछले 2-2.5 साल से मुझे पता है किस तरीके से EDMC वक्त वक्त पर, हर दिन पर हमारे पास इतनी मुश्किलें हैं कि हमारे पास ना पैसा है ना किसी तरीके से, क्योंकि पैसा रिलीज ही नहीं होता दिल्ली सरकार से, क्योंकि सारा पैसा तो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे जाता है। जब यूनिफाई होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंटर से सीधा पैसा आएगा, हम बेहतर काम कर पाएंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार का तो एक ही काम है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, उस पर MCD को गाली देना, ये तो बताना नहीं कि पैसा कौन देगा उनका, ठीक है। एक बार यूनिफिकेशन होगी तो उससे पता चलेगा कि MCD किस तरीके से दिल्ली में काम करती है। थैंक यू भैया। मिलेगा लोगों को इसके डेवलपमेंट से यहाँ पर पार्क है? देखिए लाभ क्या इस पार्क के लिए, तो पूरी दुनिया में जाना जाएगा कि एक मंडावली डॉक्टर एडगर पार्क में पार्क है, जो कि हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा बनाया गया है। लोग इसको देखने स्पेशल आएंगे, जैसे पंजाबी बाग में पार्क है उसको देखने हम लोग जाते हैं, इसको भी देखने यहाँ आएंगे। ये उन्होंने इतनी अच्छी एक इसकी काया को बदल ही दिया है। ये उजड़ा हुआ पार्क था, वो देखिए पहली बार जब आए थे तो उन्होंने सिर्फ इस पार्क को देखा, दूसरी बार जहाँ पे रामलीला थी आए तो तभी से उन्होंने तय कर लिया कि इसमें पार्क को बिल्कुल बदल के छोड़ूंगे, इस पार्क को बिल्कुल चेंज करेंगे। आज वो करके दिखाया उन्होंने, वो बातें नहीं करते, वो काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो पुलिया थी लोगों के आने जाने की दिक्कत थी, उसके लिए हमने उनको बोला तो उन्होंने उसमें हमारा पूरा सहयोग किया। उस पुलिया को हमारे साथ मिलकर रेलवे वालों से उसका ठीक उसको कराया, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो डलावगढ़ था, कुछ विपक्ष के लोग उसमें कूड़ा बिखार के और रात के समय गायें इकट्ठी करके उसमें हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हमारा गलत प्रचार करते थे।
मगर इसमें भी हमारे सांसद जी के प्रयास है, उन्होंने यहाँ पे कॉम्पैक्टर मशीन का किया जो कि अभी देखने के लायक है कितना साफ है। मंडावली के लोग इतने खुश हैं, तीसरा जो ये पार्क बनेगा उसको देख के लोगों के अंदर एक यादगार ये आज वो बच्चों के दिल में भी बस गए हैं। उनके बच्चों के लिए भी है कि हमारे लिए झूले बनेंगे, ये बैडमिंटन कोर्ट बनाए, बुजुर्गों के लिए जो बैठने की कुर्सियाँ, और ये कुर्वांचलों के लिए ये जो बना है छठ जगह कितना अच्छा है। ये बहुत ऊंचे विचार हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। बड़ा पार्क था, अब ये पार्क बनेगा तो मंडावली के लोगों को ही फायदा होगा। यहाँ काफ़ी टाइम पहले से हम सांसद जी से गुजारिश कर रहे थे, सांसद जी को कई बार बताया तो सांसद जी ने कहा कि कुछ मंडावली के लिए कुछ ऐसा करना है, क्योंकि फंड की कमी थी, कोरोना काल में फंड नहीं आ पाया, तो सांसद जी का जैसे ही फंड रिलीज हुआ उन्होंने पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए सेंशन करे जो 2 पार्टों में दिए जाएंगे। पहले एक पार्ट में ये काम चल रहा है, फिर सेकंड फेज में जो दिया जाएगा उसमें जो वॉलीबॉल के सिंथेटिक कोर्ट बन रहे हैं मंडावली के अंदर। सांसद जी ने कहा मैं नारियल फोड़ने का काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ, और सांसद जी ने ये काम शुरू भी हो गया, ख़त्म होने वाला आज तक इसका उद्घाटन नहीं करा। कुछ लोग आते हैं राजनीतिक दल के लोग ऐसे हैं, 2018 में नारियल फोड़ के चले गए, आज तक वो काम हुआ नहीं। मैं समुदाय भवन वो पोस्टरों में ही दिखा था, आज तक दिखा नहीं। आज जो ग्राउंड पे काम हो रहा है ये सांसद गौतम गंभीर जी के माध्यम से हो रहा है, क्षेत्र की जनता इतनी खुश है कि उनके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और युवाओं के लिए जो खेल परिसर और बच्चों के लिए जो झूले लग रहे हैं बहुत सुंदर। मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ मंडावली गांव से की तरफ से और पूरे वार्ड की तरफ से कि मैं सांसद जी का आभार है कि आज उन्होंने हमारे मंडावली वार्ड के लिए इतना सुंदर कार्य किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।